प्रखंड के रामपुर गांव के शहीद जवान राहुल कुमार सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे पैतृक गांव लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों क्षेत्रवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। राहुल के पैतृक गांव से लगभग 30 किलोमीटर लंबा सफर करके अंतिम यात्रा उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज किनारे पहुंची। इसके पूर्व रामपुर से महाराणा चौक नवगढ़ तक शहीद राहुल के सब यात्रा तिरंगे के साथ जय हिंद के उद्घोषक एवं राहुल कुमार अमर रहे के साथ लाया गया। राहुल कुमार हमारे समाज का एक भंडार लड़का था, इसमें क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो खो गए उसको। देश की सीमा पर उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो राजपूत समाज को होना चाहिए था उसने वीर गति प्राप्त किया है। अपने समाज का नाम रोशन किया और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया, हम लोग को गर्व है। लेकिन उनको खोने का एक गम है, एक नौजवान लड़का जो अभी अपने बीच रहा था हलता फुलता हमारे साथ खो गया। इस गम को हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन खुशी है कोई गलत काम में नहीं हुआ, वीर गति को प्राप्त किया है, इसलिए खुशी है। कैसे जानकारी में? जानकारी वहाँ क्वार्टर में थे, फौज को पता ही चला, फौज क्वार्टर गए हम लोग को लाने के लिए। तो चाहिए एक बच्चा है, बच्चा को तो भविष्य बनाना ही है। हाँ गर्व है। भारत माँ के बच्चे थे, भारत के लिए गौरव की बात है। सबसे पहले मैं इनके परिवार को इस दुख के घड़ी में जो है उनके साथ हम जो है दुख सहने की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घड़ी में उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। इनके पिताजी मेरे साथ पढ़े थे तारापुर आरस कॉलेज में, और वो भी 2 वर्ष पहले भगवान के प्यारा हो गया, और उनके बेटा का जो ये ऐसी स्थिति में मौत हुई है। हम तारापुर वासी ही ने मुंगेर और भारत के जितने भी लोग हैं सब अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि भारत माँ की लाल जो है देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। शहीद राहुल जो हमारे प्रखंड के रामपुर के निवासी थे, हम लोग को गर्व है कि वो लड़ाई में अपना साथ दिए हैं। लेकिन साथ साथ एक दुख भी है कि हमने एक होनहार नौजवान को खो दिया। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है, उनके परिवार के प्रति संतावना रखें और उसके पत्नी को उचित न्याय मिले और सरकारी नौकरी मिले। और हम सभी मुंगेर जिले के सभी नागरिकों को राहुल की शहादत पे गर्व है। कुंवर सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, मुखिया बहुनिया पंचायत संग्रामपुर। सबसे पहले शहीदों को हमारे तरफ से शत शत नमन है, और हमारे प्रखंड के जो नायक राहुल कुमार हैं उनको खोने का गम तो है ही, साथ साथ हमें यह भी गर्व है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जो बलिदानी दी है उस बलिदान को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं। उनके इस यादगार को हम लोग जिंदा रखने के लिए, यादगार को बनाए रखने के लिए हम लोग हजारों की संख्या में युवा उनके अंतिम संस्कार तक उनके साथ है। और हम लोग सरकार से यह दरखास्त गुहार लगाएंगे, उनको शहीदों का दर्जा देकर उनका स्मारक बनवाया जाए। मैं सचिन कुमार, कार्यकारी प्रमुख संग्रामपुर। तो इतिहास गवाह है कि बार बार हम लोगों को सुनने में मिलता है आज वहाँ शहीद हुआ, कल वहाँ शहीद हुआ, लेकिन शहीदों के लिए तो कहना ही कुछ कम रह जाएगा। लोग कहते थे पहले भी कि मरो तो वतन के लिए, क्या मरते हो दुल्हन के लिए, मरोगे वतन के लिए, लोग गलियों में चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए। लेकिन हम आज यहाँ पर राहुल कुमार के जिस समय
पार्थिव शरीर आए। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि संग्रामपुर प्रखंड और तारापुर विधानसभा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं घर में रुका होगा जो कि रामपुर तक नहीं पहुँचा होगा। रामपुर में भीड़ उमड़ रहा था और जिस समय मैं यहाँ पहुँचा उस समय लगा कि इतना भीड़ देखने को कि सिर्फ उनको देखने के लिए कि इस देश के लिए ये शहीद हुए हैं, देश का ये लाल है और ये बहुत कम उम्र में अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर ये देश के लिए चले गए। के लिए तो बहुत बड़ा क्षति है और एक सेना को तैयार करने में सरकार बहुत खर्च करता है, लेकिन इस खर्च के बाद भी हमारे जो ये आज जो ये रामपुर गांव में मैंने एक मातम को देखा। कल रामपुर और बढ़ौनिया के बीच एक ऐसा माहौल था कि जिसे ये तो पहले इनका घर बढ़ौनिया ही था, वहाँ से आके ये लोग रामपुर में बसे हैं। इनका पिताजी बढ़ौनिया से ही आए हुए थे और ये यहाँ आकर बसे हैं, इसलिए बढ़ौनिया और रामपुर में कल चूल्हा किसी का नहीं जला है और इतना मातम छाया हुआ है कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त कैसे कर सकता हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं जयमूर्ति कुमार सिंह, पूर्व मुखिया बढ़ौनिया पंचायत। ये साफ दिखता है कि हमारे यहाँ सेना का जो सम्मान सब जगह मिलते हम देखते हैं, ये बिहार सरकार का आखिर में ऐसा क्या निर्देशन है कि थोड़ा सा भी वक्त सेना के लिए अपना जो प्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए, जो उपस्थिति अधिकारियों की होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आया, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा तो हम लोग इस पर कुछ राजनीति बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही है कि आखिर में ये उपस्थिति नगण्य मात्र हम देखे कि कुछ अपना जो प्रखंड के कुछ अधिकारी थे मात्र उनकी उपस्थिति नज़र आई, बाकी अनुमंडल से लेकर के जिला का कोई भी उच्च स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित। हाँ, तो SDO साहब भी जो आए होंगे इसीलिए हम नहीं देख सके, तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उपस्थिति और सेना के प्रति जो श्रद्धा भाव हमारे देश में देखा जाता है और कहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं होना ये राजनीति की जो है ये गिरी हुई राजनीति की पराकाष्ठा ही इसको हम कहेंगे, और इससे ज़्यादा तो ये वक्त नहीं है कि हम इस पर कुछ ज़्यादा बोल सकते। आज यदि मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं या जो भी आज पद पर बड़े लोग आज दिखते हैं, तो आज वो पद इसलिए है कि हमारे ये सेना के जवान अपनी जिंदगी को होम करके, अपनी सारी सुख को होम करके सीमा पर लगे रहते हैं और फिर तभी हमारी ये व्यवस्था हमको दिखती है। आज यदि मुख्यमंत्री हैं तो ऐसा जरूर यहाँ एक बनना चाहिए था कि आज यदि इस तरह के वीर गति पाए हमारे नौजवान, जो कि आज दुखद है, आज परिवार के साथ उनका क्या गुजरेगा, चाहे या किसी तरह का भी मान लीजिए मिलता है, जो भी मिल जाए, जो पैसा मिले नहीं मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन आज जो उनकी अनुपस्थिति उस परिवार के लिए होगा वो उसकी तो कोई भी जो है कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हम लोग तो इतना तो कर सकते हैं कि इस एक सम्मान जो व्यक्त होना चाहिए वो उस सम्मान को भी व्यक्त करने में कम से कम प्रशासन का भी एक होता है दायित्व कि अपने उस नौजवान जिसके बारे में हम लोग सेना की बहुत बुरी बुरी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब आज ये मौका आया तो इस मौका पर इस तरह की घनघोर उपेक्षा ये मर्माहत करने वाला है। मंडल अध्यक्ष भाजपा संग्रामपुर त्रिलोचन सिंह।